दोस्तों वॉलेट मैन की एक ऐसी एक्सेसरी होती है जो उनके पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करती है। अगर आप अपने पास एक सस्ता सड़ा हुआ पर्स रखे हुए हो जिसमें छेद हुए हैं, फटा चुटा है, उससे आपके इम्प्रेशंस बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा ब्रांडेड खूबसूरत लेदर पर्स रखें जिससे आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। इस वीडियो में हम ऐसी बहुत सारे अमेजिंग ब्रांड्स का अमेजिंग पर्स देखने वाले हैं। फटाफट चलते अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारा पहला वॉलेट। तो पहला वॉलेट आ गया हमारे पास में, जो कि आता है बहुत ही अमेजिंग ब्रांड रॉयल इनफील्ड की तरफ से। रॉयल इनफील्ड का ऐसे आपको प्लास्टिक मिल जाएगा, इन खूबसूरत सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है। अंदर में देखो बहुत ज्यादा कुछ यूनिक सी पैकेजिंग नहीं की गई थी, बड़ा ही सिंपल सा पर्स है। इसमें आपको एक टैग में मिल जाएगा एकदम गोल्डन गोल्डन रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है। ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर एक होलोग्राम मार्क भी है। फर्स्ट लुक की अगर बात करें ना, बहुत ज्यादा लाइट वेट, बहुत प्रीमियम लेदर का बना हुआ पर्स फील हो रहा है। इसमें आपको 3 स्ट्रिप्स वाली डिजाइनिंग ऐसे मिल जाएगी, ऊपर में मरून है, बीच में ऑफ व्हाइट है और नीचे की तरफ थोड़ा सा नेवी ब्लू टाइप का है। लेकिन इसका जो टेक्सचर है ना, बड़ा ही रेट्रो, बड़ा ही क्लासिक और प्रीमियम है। यहाँ पर आपको नीचे एक होल मिल जाएगा, पता नहीं अब ये किसके लिए है। बाहर की तरफ आपको कोई विजिबल ब्रांडिंग नहीं मिलती, हालांकि कोने में देखोगे ना वैसे पंच के थ्रू ना यहाँ पर रॉयल इनफील्ड का आपको लोगो मिल जाएगा। अंदर की तरफ देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है इसमें, जेन्युइन लेदर यहाँ पर लिखा हुआ, अंदर भी आपको रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। 1 2 3 कार्ड के लिए इधर पॉकेट, 1 2 3 इधर पॉकेट, साइड साइड के 2 पॉकेट और ऊपर में आपको 2 पॉकेट मिल जाएंगे। बीच की अगर पार्टीशन की बात करें ना, तो ये पूरा कपड़ा का बना हुआ है, ये लेदर नहीं है, और उसके ऊपर में आपको लेदर के स्ट्रिप की बॉर्डरिंग मिल जाएगी। ओवरऑल अगर पर्स की बात करें ना, पहली बार में ना कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत स्टैंडर्ड साइज वाला प्रीमियम पर्स देख रहा हूँ। ओवरऑल बात करें ना, बहुत ज्यादा प्रीमियम पर्स है। हालांकि कुछ लोगों को कॉस्टली लग सकता है, 1800 रुपए इसके लिए पे करने पड़ेंगे, तो उन लोगों के लिए आगे बहुत सारे ऑप्शन है। स्टेप हम और नीचे आते हैं प्राइसिंग के मामले में। यहाँ पर पहले तो आपको पूमा की ब्रांडिंग मिलती है, लेकिन उसके नीचे पूमा मोटो स्पोर्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अंदर इसके प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 1699, इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। और मतलब समझ लो कि एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है। अगर इस वॉलेट की बात करें ना, सिंपली आपको बता दूं कि ये वॉलेट स्पोर्ट्स की तरफ ना थोड़ा सा थीम्ड है। देखने से ना आपको एकदम मोटो स्पोर्ट वाली फीलिंग देगा, चाहे इसके टेक्सचर्स की बात करें, डिजाइनिंग की बात करें। इसकी जो पूरी अपर बॉडी है ना, लेदर नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या है, प्रीमियम लग रही है। एक तरफ आपको बड़ा सा मेटल पीस मिलता है जिसके ऊपर मोटो स्पोर्ट ऐसा करके इनग्रेव किया गया है, और ठीक उसी के पीछे आपको एक मोटो स्पोर्ट की थीम्ड स्ट्रिप मिलती है, कलरफुल है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको राउंड करके BMW का लोगो मिल जाएगा। अंदर की तरफ देखोगे, खोलते साथ एक चीज जो आपके ध्यान खींचेगी ना, वो एक मैट एंड ग्लॉसी फिनिश में खूबसूरत सा रबर पैच जिसके ऊपर पूमा की ब्रांडिंग की गई है। इसमें भी सेम आपको 1 2 3 साइड में पॉकेट्स मिल जाएंगे, इधर भी 1 2 3 पॉकेट्स मिल जाएंगे, ATM रख लो या जो भी रख लो अपने हिसाब से। उसके साइड साइड में आपको 2 पॉकेट मिल जाएंगे और पीछे 2 पॉकेट मिल जाएंगे। बीच में आपको कोई टेक्सटाइल फैब्रिक नहीं मिलता, बल्कि कुछ अजीब सा पॉलिएस्टर टाइप का कुछ बनाया गया है। ओवरऑल बात करूं ना, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम क्लासी स्पोर्ट्स मटेरियल वाला पर्स है। थोड़ा सा साइज में रॉयल इनफील्ड से बड़ा है, हालांकि नॉर्मल हमारे बटुए की जितना ही है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको दे दूं, आ रही है ब्लैक फ्राइडे सेल। देखो हम 2 3 4 तो वीडियो बनाएंगे सेल के ऊपर, लेकिन आपको जो खतरनाक डील्स मिलेगी ना, वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन का जो पहला लिंक है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर्स हम आप तक पहुंचाएंगे। राइट, नेक्स्ट वॉलेट आई हमारे पास में, ब्रांड का नाम है लिवाइज। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, क्या पैकेजिंग है, मतलब पूरा स्टेनलेस स्टील के ऐसे टिफिन जैसे बॉक्स में आता है, ऊपर ब्लैक, नीचे स्टेनलेस स्टील, नीचे इसके प्राइसिंग लिखी गई है 1999। लेकिन आपको एग्जैक्टली कितना पे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत तगड़ी डिस्काउंट है इसमें। लिवाइज के नीचे आपको टैग मिल जाएगा, फटाफट इसे खोलते हैं, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है लिटरली। पर्स आपको ऐसे करके रखा हुआ मिल जाएगा, लिवाइज की इसमें ब्रांडिंग मिल जाएगी, लेदर वॉलेट ऐसे करके लिखा हुआ है, कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। देख लो, मैंने इसलिए देखो अच्छे अच्छे ब्रांड सेलेक्ट करके डाले हैं ना इसमें, क्योंकि पर्स हर कोई बार बार नहीं खरीदता। एक अच्छा पर्स कर दोगे ना, 4-5 साल आराम से चलता है। तो एक अच्छे वॉलेट के लिए जाओ, कहीं भी वॉलेट निकालोगे, थोड़ा इमेज बनना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ये बहुत ज्यादा बेस्ट प्राइस में आता है। और ऐसे डार्क ब्राउन कलर का ये पूरा वॉलेट है, साइड में आपको लिवाइज की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि पूरी मेटल की बनी हुई है, स्टिचिंग्स की बहुत सारी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। लेदर के ऊपर भी देखोगे ना, क्रैक क्रैक्स करके ना यहाँ पर इसमें पैटर्न्स डिजाइन किए गए हैं। खोलने से ही पहले आपको 2 चेन एक्सेस मिलता है। पहला तो यहाँ पर आपको एक कार्ड होल्डर मिलता है, जहाँ पर आप 2 3 4 कार्ड रख सकते हो, और चाहो तो सिर्फ इसको भी लेके घूम सकते हो। उसके बाद दूसरी तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर चिल्लर पॉकेट दिया गया है, इसको आराम से आप एक्सेस करके, यानी बिना अपना बटुआ खोले, यहाँ से आप अपने चिल्लर विल्लर को कुछ भी निकाल सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। खोलने के बाद देखोगे तो साइड में आपको एक फोटो वोटो कुछ रखने के लिए ऐसा कर सेक्शन दिया गया है। उसके पीछे आपको 2 पॉकेट्स मिल जाएंगे, साइड में 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, इस साइड की तरफ 2 और ऊपर की तरफ आपको 4 पॉकेट्स मिलते हैं, यानी बहुत ज्यादा पॉकेट्स है इधर ही। उसके बाद आपको ये कंपार्टमेंट मिलता है और दूसरी तरफ आपको एक चेन वाला कंपार्टमेंट मिलता है, जो कि अब तक किसी भी वॉलेट में नहीं था। इसमें भी टेक्सटाइल फैब्रिक यूज किया गया है। ओवरऑल चेन की क्वालिटी,
लेदर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको देखो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कार्ड ऐसा करके कैरी करना रहता है या थोड़ा सा ब्राउन वॉलेट रखना पसंद करते हो, डेफिनेटली इस वॉलेट के लिए जा सकते हो। इसके लेदर की क्वालिटी ना बहुत ज्यादा स्मूथ है, हल्का हल्का शाइन करता है और इसकी जो प्राइस है वो है महज 800 रुपए। नेक्स्ट जो हमारा वॉलेट है वो फिर से आता है लिवाइस की तरफ से, प्राइस थोड़ा और नीचे करते हुए। एक और मैं आपको प्रीमियम प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा, वैसे यहां पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 1699, इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। एक और लिवाइस का बहुत ज्यादा खूबसूरत पैकेजिंग के साथ आने वाला लेदर वॉलेट है। इसमें मैंने देखो ज्यादा कपड़ा वपड़ा ऐड नहीं किया, लेदर वॉलेट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। फर्स्टली बहुत ज्यादा लाइट वेट है, एकदम ना प्रॉपर ऑथेंटिक 90s टाइप का ना वॉलेट लग रहा है, बड़ा ही क्लासी डिजाइन किया गया है इसे, पूरा ब्राउन लेदर का काम मिलेगा। हालांकि लेदर की क्वालिटी ना बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड सॉफ्ट है। यहाँ पर कैसे जीन्स के पीछे हमारा बड़ा सा पैच होता है लिवाइस का, अगर आप जीन्स खरीदते हो तो एग्जैक्ट वही डिजाइन यहाँ पर डाला गया और उसी की थोड़ी थोड़ी ना याद भी दिलाता है। इसमें आपको बाहर से कुछ भी एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन ऊपर की क्वालिटी ना सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है। अंदर में आपको चिलर रखने के लिए पॉकेट मिल जाएगा, जेन्युइन लेदर यहाँ पर लिखा हुआ है। लिवाइस का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा स्टैम्प के थ्रू, 1, 2, 3, 4 पॉकेट इधर मिलते हैं, नीचे एक तरफ मिलता है और इसके इधर भी एक मिलता है। बाकी ऊपर में आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, बीच में आपको टेक्सटाइल फैब्रिक की काम मिलेगी और इसमें कोई जिप विप नहीं दिया गया है। अगर आपको देखो ब्राउन कलर का एक सिंपल स्मॉल साइज वॉलेट चाहिए ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड प्रीमियम हो, डेफिनेटली इस वॉलेट के लिए जा सकते हो। एक खूबसूरत वॉलेट है और इसके लिए आपको महज पे करने हैं 600 रुपए। लास्ट वॉलेट की तरफ आ गए हैं, जो कि आता है रेमंड की तरफ से, सबसे सस्ता इस वीडियो का, सबसे बजट फ्रेंडली वॉलेट। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी गई है 1199, लेकिन आपको पे नहीं करना, डोंट वरी, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। और रेमंड भी एक बहुत तगड़ी ब्रांड है, आप सबको पता है यार, बहुत अच्छी इसकी भी पैकेजिंग मिलती है हमें। पैकेजिंग के मामले में लिवाइस और रेमंड तो जीत गया भाई। यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा ब्लैक कलर का वॉलेट मिल जाता है, बीच में ऐसे करके कागज दिया हुआ है ताकि इसका लेदर खराब ना हो। ट्रस्ट मी, इसकी भी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। हालांकि एक चीज है कि ये ना थोड़ा शाइन नहीं कर रहा है और लेदर थोड़ा सा कड़ा कड़ा जैसा है, लेकिन आपको बता दूं गाइस बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसमें ऊपर की तरफ आपको थोड़े से टेक्सचर्स मिल जाएंगे, साइड में आपको रेमंड का ब्रांडिंग मिल जाएगा जो कि सिल्वर कलर से की गई है। यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3, 4 इधर और 4 इधर कार्ड होल्डर्स मिलते हैं। साइड साइड आपको 2 पॉकेट्स मिल जाएगा, अंदर की तरफ RFID प्रोटेक्टेड है ऐसा करके दिया गया है और ऊपर की तरफ आपको 2 कंपार्टमेंट मिलता है, देखो इस तरह से। बीच में इसमें भी आपको टेक्सटाइल फैब्रिक मिलेगा, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, कहीं कहीं ना हल्की हल्की कॉस्ट कटिंग आपको दिखेगी, वैसे बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइट वेट है एंड डेफिनेटली एक खूबसूरत सा ब्लैक पर्सन जाना चाहो इसके लिए भी जा सकते हो। अमेजिंग डील्स के साथ ये सारे वॉलेट्स आ रहे हैं। इसमें ज्यादा देखो ताना घीची करके कोई फायदा नहीं, ज्यादा जबरदस्ती का कुछ बोल के फायदा नहीं। अगर दिल से कहूँ ना, 1000 के ऊपर वाले तो दोनों बहुत तगड़े हैं, पूमा और रॉयल एनफील्ड, लेकिन 1000 के अंदर अगर खर्च करने की सोच रहे हो लेकिन 500 के ऊपर खर्च कर सकते हो, तो ये दोनों लिवाइस के वॉलेट्स के लिए आंख बंद करके जाना, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी 500 के अंदर ये तो मिल ही रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वॉलेट्स की वीडियो हम बहुत दिनों के बाद डालते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई भी ऐसा ब्रांड है जिसको आप देखना चाहते हो या कुछ सजेशन है वीडियो को लेकर, तो आप हमें बता सकते हो। ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो प्लान कर रखे हैं विंटर के लिए, आप रेगुलरली चैनल पर देख रहे हो, इसे याद दिला दे रहे हो। ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है, मेक श्योर की जाकर हमारे टेलीग्राम में फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम में नहीं किया तो जाकर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।